तो आज वेक्टर एलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वेक्टर एलजेब्रा, डॉट फिर उसके बाद क्रॉस और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इनके एप्लीकेशंस। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे करेंगे और इसके क्वेश्चंस, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। वेक्टर ए ले लिया और वेक्टर बी ले लिया, उसके बीच में हमने डॉट रखा। इस डॉट रखने की वजह से इस प्रोडक्ट को बोला गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का डॉट हो रहा है। इसका रिजल्टेंट जो परिणाम आता है, रिजल्ट्स मिलता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। पहले हम लोग देख चुके हैं, अगर नहीं आता तो हम लोग इसको दोबारा से फिर से करते हैं कि अगर कोई वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस k दिया गया हो, उसका मॉड निकालना है अगर, तो रूट के अंदर उन्हें बोला कि सपोज दिया गया है, माना है, तो टू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, जब इसको ओवरऑल इवेल्यूएट करेंगे तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3। जैसा कि पहले बताया गया कि हम लोग वेक्टर एलजेब्रा या वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दो टाइप की क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, वेक्टर और स्केलर। आपको ये बहुत ही फाइन अच्छे तरीके से आना चाहिए कि वेक्टर कहाँ है और कहाँ स्केलर है। जब कोई नंबर आता है, जब भी किसी, जैसे ये आई और जे और के टर्म में एक्सप्रेस है, तो इसको बोल रहे हैं वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मॉडुलस निकाला, एक नंबर आया, तो सारे रियल नंबर्स, जो भी रियल नंबर होंगे, उन सारे रियल नंबर्स को हम स्केलर मानते हैं। क्या मानते हैं? तो मॉडुलस एक स्केलर वैल्यू देता है, नंबर जो भी होंगे वो स्केलर होंगे। क्या होंगे? स्केलर। तो जब हमने इसका रिजल्ट देखा तो ये स्केलर है, नंबर है, ये भी एक क्या है, स्केलर है, नंबर है, और ये भी एक स्केलर है, नंबर है। आप तीन नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, सिंपल प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको एक नंबर मिलेगा और उस नंबर को बोल रहे हैं स्केलर। क्या बोल रहे हैं? तो ए डॉट बी, तो हमने यहाँ देखा कि जब ए डॉट बी हमने किया तो आफ्टर प्रोडक्ट एक नंबर मिला। क्या मिला? नंबर मिला, दैट इज़ द वैल्यू। अब वो स्केलर है, क्या है? स्केलर है। तो इस प्रोडक्ट कैसा हुआ, प्रोडक्ट करने का रिजल्ट कैसा मिला? स्केलर। तो दैट्स वाई हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे डॉट पुट करते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे दो वेक्टर्स हमने लिए, वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k, वेक्टर बी बराबर i प्लस j माइनस 5k। जैसा कि ऊपर मेंशन किया है कि यहाँ पर हम लोग इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है या इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने बोला बताया ही है कि एक वैल्यू है, एक स्केलर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। अब अगर यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स दिए गए, इन दो वेक्टर्स के मॉडुलस निकालें, तो ये मॉडुलस हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर लेंगे, मगर इनके बीच का एंगल, तो हो सकता है कि हम एंगल निकालने में उतना सहज ना हो। तो अगर ये फार्मूला हम अगर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, इस फार्मूले से हमें डॉट प्रोडक्ट निकालने में उतना सहजता, उतने सिंपल सिटी से हम निकाल पाएंगे, तो फिर देखते हैं कि इसको फार्मूले को ना अप्लाई करके किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए। तो जब भी हमने अभी बताया था कि ए डॉट बी का मतलब है कि ए का मॉड बी का मॉड, अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के इंक्लाइंड होंगे, मतलब इनके बीच में एंगल बना होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा। एंगल जब भी कंसीडर करते हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि या तो आप वेक्टर्स के बीच में इस तरीके का सिचुएशन हो या वेक्टर के बीच में इस तरीके के सिचुएशन हो, कहने का मतलब या तो डाइवर्ज हो रहे हो या कन्वर्ज हो रहे हो। कन्वर्ज हो रहे हैं तो एंगल मानेंगे, ये एंगल मानेंगे। अब एक हमारा क्या है, डाइवर्ज हो रहा, एक हमारा कन्वर्ज हो रहा, तो अब ये एंगल कंसीडर नहीं कर पाएंगे। तब एंगल कैसे कंसीडर होगा? देखो, एक बाहर जा रहा है ऐसे, एक अंदर जा रहा है, हमने बोला या तो दोनों अंदर जाएं या दोनों बाहर जाएं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे,
तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बाहर जाते हुए एरो ये बना दिखाएंगे, तो इस पॉइंट पर आप देखें तो ये भी बाहर जा रहा और ये भी बाहर जा रहा, दोनों डाइवर्ज हुए, तो वाला एंगल कंसीडर कर लेंगे। अगर हम इसको बाहर बढ़ाएं तो ये भी देखे जा रहा है, आप दोनों यहाँ पर क्या हैं अंदर जा रहे हैं, तो ये एंगल कंसीडर कर लेंगे। तो आपको पता ही है कि दो लाइन को अगर क्रॉस करें तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और इस ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। और से ओके, इस इनको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट, सिरसा सिरसा अभिमुख, इसी को बोलते हैं कि नहीं, नहीं पता। वर्टिकली अपोजिट तो पता है ना, ये भी नहीं पता, ना हिंदी ना इंग्लिश, क्या पता इंग्लिश दोनों, इंग्लिश में भूल गए और हिंदी में सिरसा अभिमुख। अच्छा हाँ, तो कभी भी वेक्टर्स के बीच में ये बात क्यों बताएगी कि आप देखें, अगर ऐसे एंगल बनाओ, ऐसे कोई वेक्टर दो होंगे तो अब ये एंगल कंसीडर कर लेंगे, ऐसे दोनों रेज हों तो ये एंगल कंसीडर कर लेंगे, अब ऐसे होंगे तो अब ये एंगल कंसीडर नहीं करेंगे, कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे, ये यहाँ पे बाहर निकलते हुए। तो अगर हम ध्यान दें पर इस तरीके से हमारे दो वेक्टर्स लिए हमने, तो ऐसे हम जो यहाँ से ज़ीरो, ये एंगल कितना है दोनों के बीच में ज़ीरो, अब ये एंगल बढ़ना शुरू हुआ 45, 60, 90, 120 ऐसे आएगा, ये अभी भी एंगल। अब जब ऐसे आएगा तो 180 से जब आगे की वो बढ़ा तो हम ये एंगल ना लेके ये एंगल लेंगे, तो 180 से ऊपर जा पाया क्योंकि हम उसको फिर से 180 से कम मानने लगे, तो हमेशा ज़ीरो से लेके कहाँ तक गया 90, ना 90 नहीं, ज़ीरो ले सकते हैं और ज़ीरो से बड़ा और पाई के बीच में, तो हमेशा वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है, ऑलवेज ज़ीरो एंड पाई, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। इस बात का आगे जाके इम्पोर्टेंस है, आगे जाके ये बात इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो बात तभी बताई जा रही, कॉन्सेप्चुअली है, इसको हम लोग तभी लगा पाएंगे जब इसको हम ध्यान देंगे कि एंगल ज़ीरो और पाई के बीच में क्यों रहता है। तो एंगल और ज़ीरो पाई के बीच में इसलिए रहता है कि जो रीज़न बताए गए उस रीज़न की वजह से, ठीक है। कभी भी किसी दो एंगल वेक्टर्स के बीच में एंगल 210, 210, 227, 270 इस टाइप के एंगल कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ना ही बन पाएंगे, ठीक। चलिए तो हम उस बात में फिर से लौटते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हमने यहाँ पे शुरुआत की थी कि दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल हमने लिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा कंसीडर कर चुके हैं हम लोग, वो एंगल कैसे कंसीडर किया गया वो बताया गया, ठीक। अब ऐसे ही अगर हम एक बात और हमें ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर में आपको हमेशा एक प्लेन कंसीडर करना होगा, और दैट इज़ 3D, कौन सा थ्री डायमेंशनल, किस बात का, किस टाइप का प्लेन, यहाँ पे हम टू डायमेंशनल नहीं, स्पेस में है, IJK, ठीक है। तो आपको यहाँ बताते चलें कि जब भी आप रूम के कॉर्नर को आप देखेंगे, ठीक है, तो इसको आपको कभी भी किसी रूम के कॉर्नर को आपको ये देख, एक आपको वॉल इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, एक आपको इस तरीके से अब ये कॉर्नर दिखाई पड़ेगा। तो अगर हम आप इसको इसको अगर एक्स एक्सिस मानते हैं, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मानते हैं, और इस एक्सिस को वाई एक्सिस मानते हैं, और इसको जेड मानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए अगर इसको एक्स माना तो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप एक्स एक्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जे कैप वाई एक्सिस की, और के कैप जेड एक्सिस की। आई जे के एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही होते हैं, और उनके कोफिशेंट्स, अगर आई कैप की जगह माइनस आई कैप है तो एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव हिस्सा है और ये वाला हिस्सा नेगेटिव है, ये हिस्सा वाई का पॉजिटिव हिस्सा है और ये वाला नेगेटिव है। तो जब हम दो एक्सिस
को एक आपस में देखते हैं तो क्वाड्रेंट बनता है, क्या बनता है? और जब हम तीन एक्सिस को देखते हैं तो हमें कितने पार्ट मिलेंगे बताइए, कितने पार्ट मिलेंगे? बोले भाई हैं, बोलो कितने मिलेंगे पार्ट? बोले कितने पार्ट? सिक्स। कितने पार्ट मिलेंगे? सिक्स मिलेंगे कि एट मिलेंगे बताइए, बोलो नहीं बताए हैं? एट बताइए, कौन कौन से हैं, कितने मिलेंगे? सिक्स। कैसे? पॉजिटिव 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 एक हो गया हैं, हाँ पॉजिटिव 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 एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, नहीं मिलेगा हैं? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ये नहीं मिलेगा, बोलिए नहीं मिलेगा ये? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिलेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हो गए, कौन सा हो गया? ये वाला कितने आए? ठीक है तो कितने में आएगा, सिक्स में या एट पार्ट? एट को क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट क्वाड्रेंट और ठीक है तो ओके छः मिलेंगे। हाँ तो एक्स जब दो एक्सेस आपको कट करती हैं तो आपको चार पार्ट मिलते हैं, और तीन एक्सेस कट करेंगे तो आठ पार्ट में डिवाइड होगा भाई, हर एक्सेस दो प्लस और माइनस प्लस और माइनस, तो जब आप दो एक्सेस का पेयरिंग करेंगे तो चार बार प्लस माइनस से प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, और जब आप तीनों को लेके चलेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी? एट, तो एट भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, आई कैप रिप्रेजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और जे कैप वाई एक्सिस के लिए और के कैप जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई एक्सिस के लिए जे और जेड एक्सिस के लिए के। अब अगर हम लोग जैसे यहाँ पे ए डॉट पी कर रहे हैं तो आई डॉट आई करें तो देखिए पहले का मॉड तो आई का मॉड, फिर दूसरे का मॉड जे, फिर आई का मॉड, और यहाँ पे कॉस थीटा भी था तो अब आई और दूसरे आई इन दोनों आई के बीच में कितना एंगल है? मैं अभी दिखाया था हमने कि इन दोनों आई के बीच में एंगल कितना है, तो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। एंगल कितना होगा? अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो है इसका मतलब वो उनकी डायरेक्शन क्या है, समान है, तो कॉस जीरो डिग्री। आई का मॉड भी कितना हुआ? वन। आई का मॉड वन, कॉस जीरो वन, आई डॉट आई कितना हुआ? वन। अब ये आई डॉट आई वन जो निकाला है वो इसी फार्मूले को अप्लाई किया है, जे डॉट जे सिमिलरली वन और के डॉट के भी क्या वन। अगर हम आई डॉट जे करें तो आई का मॉड जे का मॉड और कॉस, अब आई और जे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? कितना है? 90। तो कॉस कितना आएगा? कॉस 90 कितना होता है? ज़ीरो।
आई डॉट जे कितना हुआ, जे डॉट के कितना हुआ, के डॉट आई कितना हुआ, आई डॉट आई कितना हुआ, जे डॉट जे, के डॉट के, सेम सेम का डॉट, अपोजिट डॉट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो अब इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, ए डॉट भी यहाँ किया। देखिए जब आई, जैसे सिंपल हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ देखिए ए प्लस टू बी का मल्टीप्लाई थ्री ए माइनस फोर बी से करें, तो हमने जो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में एलजेब्रा में देखा है, इट्स नॉट अ वेक्टर, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, ठीक है, टू एक्सप्रेशंस, तो ये एलजेब्रा है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, यही तो करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, पहले इसका ऐसे करेंगे, इसका ऐसे और इसका इससे। देखिए तो ऐसा इसका इससे होगा, तो आई डॉट जे, आई डॉट के, आई का आई से डॉट वन होगा तो इंटू टू था, टू हो जाएगा। अब यही काम जे से करेंगे, जब इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे। देखिए जे वाला आई के साथ जीरो होता है, जे वाला के साथ जीरो होता है, जे का जे से हो पाता है और आई का आई से होता है, के का किससे होगा, के से होगा, होगा कि नहीं, इस बात को सर समझा रहे हैं। तो सिंपल बात, जैसे ही अगर आप ऐसा आ गया टू आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के, आई प्लस जे माइनस फाइव के, जब आप डॉट करने वाले हैं तो आई वाले का आई से करिए, टू आ गया, जे वाले का जे से, प्लस थ्री आ गया और इसका ऐसे प्लस साइन के साथ ट्वेंटी आ गया, तो ट्वेंटी फाइव आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हमें देखते हैं, अब आई का डॉट टू आई प्लस जे माइनस से कैसे करना है, तो बताया गया था कि आई का आई से डॉट करेंगे, जे से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आई का जे से और आई का के से डॉट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो ऑलरेडी क्या होता है, ज़ीरो। तो आई का डॉट किससे एडवाइस किया गया, आई से, तो जब आई का आई से करेंगे तो इसके साथ जितना कोफिशिएंट होगा तो सिंपल आंसर टू आ जाएगा। अब आई का आई वाले से और जे का जे वाले से, तो इसका ऐसे होगा तो टू, इसका ऐसे होगा वन, तो टू प्लस वन दैट इज़ थ्री। यहाँ पे आई जे माइनस के है, टू आई माइनस जे प्लस के, तो आई का आई से टू और जे का जे से माइनस वन और इसका माइनस वन, तो कितना आ गया, ज़ीरो। तो दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोल रहे हैं, बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि फाइंड द एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पूछा जाए, ऊपर ही जो दिए गए वेक्टर्स हैं कि एंगल बिटवीन आई एंड टू आई प्लस जे माइनस के, ये एंगल निकाल रहा हूँ, इनके इनके बीच में एंगल, इनके इनके बीच में एंगल निकाल रहा हूँ, तो ये एंगल निकाला जा सकता है बहुत ही आसानी आसान तरीके से। अभी हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी। जब किसी एंगल के करस्पॉन्डिंग कॉसाइन वैल्यू अगर मिल गई तो हमें साइन वैल्यू या कोई भी वैल्यू मिल जाएगा, वो उससे एंगल भी निकल जाएगा। तो हम इस डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले को यूज़ करके एंगल निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंगल निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, इस और इस के बीच में, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो हम कोसाइन एंगल निकालेंगे, इसका ऐसे डॉट, तो आई डॉट टू आई प्लस जे माइनस के, इसका मॉड आई का मॉड और मॉड ऑफ टू आई प्लस जे माइनस के, तो जब आई इसका डॉट करेंगे तो बाकी सारे जीरो, इसके साथ टू आ गया, इसका मॉडुलस वन आ जाएगा और इसका मॉडुलस जो आएगा
टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर। यहाँ पर टू बाई रूट सिक्स, कोसाइन एंगल आ गया, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स टू बाई रूट सिक्स। अगर हम इस वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर, हमें इनका डॉट करना है और मॉडुलस करना है, तो डॉट क्या हुआ ज़ीरो, बाकी नीचे कोई नंबर आएगा, तो अब हमें कॉस थीटा बराबर क्या मिल गया ज़ीरो, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90, तो थीटा बराबर आ गया 90, तो थीटा बराबर 90 आया, तो आपने देखा कि थीटा इक्वल टू 90, इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर किसके थे, बी के थे, वेक्टर ए ऐसे दिया गया, वेक्टर बी ऐसे दिया गया है, इनके बीच का एंगल पाई बाई टू है, तो यहाँ पर हम देखा कि क्या इम्प्लाइज किया था, ए डॉट बी क्या है ज़ीरो था, ए डॉट बी क्या था ज़ीरो था, तो जब भी किसी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तो उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा 90 होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह लेंगे कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, उनके बीच में एंगल 90 है, तो वो 90 डिग्री उसका एंगल होना इस बात का जस्टिफिकेशन है कि उन दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो डॉट प्रोडक्ट उसका क्या आएगा ज़ीरो आ जाएगा। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, इसको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम मान के चलेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ले हम लोग देखेंगे, दो वेक्टर्स जब दे देते हैं वो और उनके बीच में कोई ऐसा अननोन दे देते हैं, जैसे यहाँ पे लैम्डा लिया गया है, उनका है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर परपेंडिकुलर दिया गया है, वेक्टर ए बताया गया था कि बी पे परपेंडिकुलर है, तो इम्प्लाइज करता है कि ए डॉट बी क्या है ज़ीरो, तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ज़ीरो, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो टू माइनस वन प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, तो लैम्डा बराबर क्या है माइनस। बहुत ही आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। तो अगर कोई भी दो वेक्टर अगर आपको परपेंडिकुलर दिए गए तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट सिंपल क्या कर दीजिए ज़ीरो कर दीजिए, उससे अननोन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि दो वेक्टर्स दिए गए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द गिवन वेक्टर बी वेक्टर, उसका एक एग्जांपल भी हमने लिया है कि प्रोजेक्शन ऑफ आई प्लस जे प्लस टू के ऑन द वेक्टर टू आई माइनस जे प्लस ए। तो यहाँ पर किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि प्रोजेक्शन होता क्या है, इस बात को पहले समझना होगा कि प्रोजेक्शन क्या है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए और ऑन बी वेक्टर, तो पहले जो ऑन द वेक्टर लिया गया उसको बी वेक्टर को ऐसे हम ले लेते हैं, और ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो इंक्लाइंड झुका हुआ है, थीटा डिग्री झुका हुआ है, तो इसका प्रोजेक्शन इस पे मतलब इसकी छाया इस पर, ठीक है, जैसे ये अगर हाँ तो इस तरीके से देखें तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे छाया उसकी पड़ेगी, ठीक, तो उसी तरीके से इसका प्रोजेक्शन इस वाले वेक्टर पे, तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन जो है इसका परपेंडिकुलर इस वाले वेक्टर पे इतना ही प्रोजेक्शन पड़ेगा। मान लो सपोज ये मानते हैं कि ओ बी वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर है, तो ओ ए का प्रोजेक्शन ओ एल है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी इज ओ एल, ओ एल, तो हमें ये ओ एल कैलकुलेट करना, ओ एल जो है लेंथ है, क्या है लेंथ, दैट इज स्केलर, यानी कि कोई भी प्रोजेक्शन अगर आप निकालते हैं किसी वेक्टर पर, किसी वी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालते हैं तो वो एक स्केलर है, लेंथ है, यानी कितना पार्ट जिस पे पड़ रहा है प्रोजेक्शन उसको में कितना पार्ट वो कवर कर रहा है, ठीक, तो इस पार्ट को हम अलग देखते हैं। एक हमने ट्राइंगल कंसीडर किया,
हमें यहाँ पर OL निकालना है। इस ट्राइंगल में क्या निकालना है? OL ही राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें थीटा दिया गया है और हमें OA वेक्टर दिया गया। हमें OL निकालना है, बेस है हाइपोटेनिस और बेस कॉस थीटा में आते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस दैट इज़ OA, तो OL इज इक्वल टू OA कॉस थीटा। अभी आप देख ही चुके हैं कि कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। OL OA अगर निकाल OA देखा जाए तो ज़्यादातर लोग OA को A वेक्टर बोल देंगे। OA वेक्टर फिर क्या होगा? अगर आप OA को A वेक्टर बोल देंगे तो OA वेक्टर क्या होगा ये आपको देखना है, तो OA वेक्टर भी बोलेंगे उसको भी A वेक्टर बोल देंगे। तो अगर OA वेक्टर A वेक्टर है तो OA क्या है? अगर OA A वेक्टर है तो OA वेक्टर क्या है? तो ये बातें ध्यान देनी है। वो तो इसमें सही क्या लिखा गया, ये कि ये वाला है, हाँ ये सही है कि OA वेक्टर A वेक्टर दिया। OA का मतलब क्या है? उसकी लेंथ। क्या है उसका मतलब? है लेंथ। तो यहाँ पर OA का मतलब क्या है? A वेक्टर या मॉड ऑफ A? हाँ मॉड ऑफ A। कॉस थीटा क्या है? A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B। नंबर का नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है तो ना ही डॉट होता ना ही क्रॉस, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो OA जो आया OL आया है वो A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B आया है। तो इससे हमने एक बात कंक्लूड की कि अगर ऐसे आए फाइंड अगर आ जाए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो जो प्रोजेक्शन निकालना है ऑन ए, तो ऑन ए यहाँ पर क्या है? ऑन ऑन द वेक्टर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर है उसका मॉडुलस। यहाँ पर किसका है? मान लो ए की जगह बी के ले लें, बी आर ले लें। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन आर, तो जो नीचे ऑन द है वो उसका मॉडुलस और बाकी बचा दोनों का डॉट, तो आर डॉट ए या बी डॉट आर। हमेशा मॉडुलस किसका आएगा? जिस पे मतलब ये जिस पे पढ़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अगर सीधे देखें तो यहाँ पर प्रोजेक्शन निकालना है हमें, तो किसका मॉडुलस होगा? इसका या इसका? हाँ ऑन द वेक्टर ये है, टू आई माइनस जे प्लस के का मॉडुलस, बाकी इसका डॉट, तो टू माइनस वन और प्लस टू, ये आप सॉल्व कर लेंगे, थ्री बाई बोले थ्री बाई रूट सिक्स, ठीक है। ये एक पहलू आ गई, प्रोजेक्शन आ गया ए का बी पर या आई प्लस जे प्लस टू के का टू आई माइनस जे प्लस के पर, ठीक है। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताया उसके कॉन्सेप्ट पे बेस पे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, सात क्वेश्चंस हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस को करें, डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन और दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस लिए गए हैं, बहुत ही सिंपल है। जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद ही आप क्वेश्चंस आगे करें इसी लेवल के।